पीएम मोदी आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज तेलंगाना में आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज से 6 मार्च तक पीएम मोदी तेलंगाना तमिलनाडु के अलावा ओडिशा पश्चिम बंगाल और बिहार भी जाएंगे। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे पीएम मोदी। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की दी नसीहत। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी को ₹2000 का दिया चंदा। डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत किया डोनेट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में ईडी का यह 8वां समन। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राजगढ़ जिले में कई जगहों से गुजरेंगे राहुल, लोगों को करेंगे संबोधित। शाम को किसानों के साथ खाट पंचायत करेंगे राहुल गांधी। पंचायत में प्रदेश भर के 200 से अधिक चुनिंदा किसान होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली। कांग्रेस, सपा और वामदलों के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल। पटना रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने खेला हिंदू कार्ड। पीएम मोदी को हिंदू मानने से किया इनकार। लालू यादव ने सभा को संबोधित किया, कहा नीतीश अब मोदी जी के पैरों के नीचे चले गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोपों को खारिज किया, कहा आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की नहीं सभी वर्गों की पार्टी। तेजस्वी यादव ने पीएम को दिया जवाब, लालू यादव के कामों को गिनवाया गया, कहा रेलवे को 90,000 करोड़ का दिया था फायदा। जन विश्वास रैली में शामिल हुए राहुल गांधी बिहार को राजनीति का नर्व सेंटर बताया, कहा आज देश में विचारधारा की लड़ाई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, बताएं कितने किसानों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार, कहा मोदी को हटाए बिना देश में शांति नहीं आएगी। जन विश्वास रैली में सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी बोले मोदी की गारंटी जुमला है, तेजस्वी ने नौकरी की गारंटी को पूरा किया। पटना में अखिलेश यादव ने 120 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को हराने की अपील की। अखिलेश के 120 सीट वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, सपना देखने पर कोई रोक नहीं। लालू यादव पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लालू को बताया राजनीतिक जोकर, पूछा पीएम के लिए तुम ताम करना कैसी भाषा है। आरजेडी की जनविश्वास महारैली पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कसा तंज, कहा महागठबंधन की रैली निकली फर्जी, 10 लाख की रैली का था दावा। भोजपुरी गायक पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार, कहा कुछ वजहों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के फैसले पर बोले टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, ये उनका और उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा विकसित भारत के निर्माण के लिए हर व्यक्ति का समर्थन महत्वपूर्ण। एमपी के सीएम मोहन यादव आज मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। मोहन यादव ने यादव महाकुंभ रैली के अखिलेश यादव पर साधा निशाना, परिवारवाद की सियासत करने का आरोप लगाया। वोट के बदले नोट मामले में आज 7 जजों की संविधान पीठ सुना सकती है फैसला। पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सजा में दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी आज विधानसभा में करेंगे बजट पेश। इस बार राम राज्य है बजट का थीम। WPL में गुजरात जायंट्स की लगातार चौथी हार। दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से हराया। धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा बदलाव। अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग में शामिल हुए पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। अभिनेता सलमान खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट भी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में पहुंचे। प्री वेडिंग में पहुंचे थे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स।